सो गाइस कैसे हो? कैसे हो? वैसे तो मैं डायरेक्ट स्टार्ट करूँगा, ज़्यादा कुछ लंबा नहीं। मैंने और राशि ने ये डिसाइड किया था कि हम नहीं बताएंगे कभी भी डेट वी ब्रोक अप। रीज़न मैं आपको बताता हूँ, क्योंकि हम लोग जिस लाइन पे है तो लोग सवाल बोलते हैं कि आपने इससे ब्रेकअप कर लिया, आपने उससे ब्रेकअप कर लिया। मैंने तभी सोच समझ के डिसीजन लिया था, राशि का शेयर किया था कि हम नहीं बताएंगे। आस्ते आस्ते सब नॉर्मल हो जाएगा। मेरे अंदर ये होप थी कि भाई की सब ठीक हो जाएगा यार। बहुत ज्यादा मैंने कोशिश करी, मैंने सोचा था कि थोड़ा टाइम लेके देखते हैं, ठीक हो जाएगा सब। बट मुझे नहीं पता राशि ने ये ब्रोकअप वाली वीडियो क्यों डाली। वैसे तो मैंने डिसाइड किया था कि भाई हमने दोनों ने डिसाइड किया था कि हम नहीं बताएंगे कभी भी। ओके, मेरे से बाहर भी लोग पूछते थे, आप लोगों को पता ही है कि मैं बाहर घूम मतलब इधर उधर जा रहा हूँ। ओके, तो कभी ये काम वो काम तो लोग मेरे को मिलते हैं। आप लोगों को पता है कि आप लोगों ने भी मुझसे पूछा है राशि कहाँ है अभी, गर्लफ्रेंड कहाँ है। ओके, अभी होने वाले कहाँ है, बहुत लोगों ने मुझसे पूछा। तो मैंने यही बोला कि अभी बस थोड़ी सी नाराजगी है, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे नहीं पता कि राशि ने ये क्यों डाला है। ओके, मैंने डिसाइड तो ये किया था, मैंने उनसे फोन करके भी नहीं पूछा, कोई बात नहीं अगर डाल दिया तो। मैंने वीडियो देखी है, उनकी बातें सही हैं, मैं कुछ बोलूंगा नहीं। वो क्या बोलूँ मैं यार, मेरे को ये वीडियो मैंने मना इसलिए करना था कि भाई मैं चाहता नहीं था कि मैं पब्लिकली चाहता नहीं था कि ये ब्रोकअप वाला कभी भी डले, क्योंकि मेरे साइड से भी कभी नहीं डला है ना। आप लोगों ने भी इतने सारे मैसेजेस करे, मैंने कभी नहीं बताया। फैमिली हो मुझे पता है, बट मैं ये चाहता था कि सब कुछ नॉर्मल हो जाए। बट शायद अब मेरे होप जो थी मेरे अंदर वो खत्म हो गई है, और जो ब्रब था पहले वो भी अब खत्म हो गया। अब पता नहीं है, क्योंकि यार मेरे को मैं प्यार करता हूँ उससे अभी भी बहुत ज्यादा। ओके, हाँ जो उन्होंने बोला कि कुछ इशू है, बहुत टाइम से चल रहा है यार, मुझे बस ये जानना है कि क्या है। क्योंकि मैंने 4 साल, मेरे पास बहुत सी यादें हैं, जिससे 7 अक्टूबर के बाद मेरे पास ना मतलब मैं सिर्फ उन यादों से सारे ही जी रहा हूँ और कुछ नहीं। ओके, मुझे पता है कि मेरा जो हाल है वहाँ पर उनका भी है, ऐसी बात नहीं है, नहीं है, वो भी सोच रहे हैं। बट ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सॉल्व ना हो सके। आप लोगों ने मैसेज करा कि सॉल्व हो सकती है, हर चीज़ सॉल्व हो सकती है। बट मैं चाहता हूँ कि एक बार यार वो कॉल करके अगर सॉल्व करते चाहे तो प्लीज़, क्योंकि मैं हर चीज़ में उनकी खुशी चाहता हूँ। तो मैं सबसे ज़्यादा उनकी खुशी ही चाहते हुए मैं ये सब कुछ हुआ है। और इस वक्त मेरे लिए 4 साल बहुत खुश था, क्योंकि मैंने बहुत मेरा सब कुछ थे वो हर चीज़, मैं शीज एवरीथिंग फॉर मी, मतलब मैंने फैमिली भगवान सबको मैंने नीचे करके उनको ऊपर रखा होता है। ये बात उनको भी पता, अगर वीडियो देख रहे हैं तो मुझे पता है वो देखेंगे। ओके, सो यार बहुत मुश्किल है आगे सब कुछ करना। ओके, मेरे को भी एक मैसेज आया था बहुत बड़ा फैन पेज से, मैं मैसेज पढ़ रहा था। मैंने ब्रेकअप नहीं करा ना, उन्होंने करा ब्रेकअप। बात मुझे नहीं पता यार क्यों हो रहा है। अरे जी डोंट नो, मैं इस समय जो फील कर रहा हूँ ना सीरियसली, मैं अगर अपने दिल की बात बताऊँ, कहते जो दिल था वो है ही नहीं है। बिकॉज मैं जब इंसिडेंट हुआ था 7 अक्टूबर के बाद, उसके बाद से मैं घर पे नहीं हूँ, मैं बाहर रहता हूँ, क्योंकि मेरे को किसी से भी दिल लगाना बहुत डर सा लगता है। तो क्योंकि मेरा दिल सिर्फ उनसे लगा था बहुत ज्यादा, क्योंकि मेरी दिल उनके उसके उनके साथ होती थी, और रात भी यार रीसन। अगर मेरे को पता हो, थोड़ी बहुत तो पता है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं पता मेरे को रीजन, आई नो। बट ऐसा नहीं है कि मैं ठीक नहीं कर सकता यार, मैं कर सकता हूँ ठीक। अगर
से अगर वो चाहते हैं तो, बिकॉज रिश्ते ऐसे खत्म नहीं होते यार, इतना तो मुझे ही पता है, बहुत मुश्किल है। बट मैंने डिसाइड कर दिया कि ये ब्रोकअप वाला ना डले, क्योंकि मैं चाहता नहीं था, क्योंकि मेरे अंदर एक होप थी कि अगर ब्रोकअप वाला ना नहीं डलेगा तब तक राशि की दिल में कहीं ना कहीं मैं होऊंगा, और तो मेरे लिए इसी रहेगा कि कहीं भी टकरे तो मैं एक न्यू शहर से स्टार्ट करने की कोशिश करूंगा। कोशिश क्या मुझे जरूर करता, बट अभी अगर डल चुका है तो जो उनकी ये चाह चुकी हैं, मैंने पूरी वीडियो देखी है, बात सही है उनकी कि लॉयल तो हम थे ही दोनों के, दोनों बहुत ज्यादा। और बस वर्ड्स नहीं है यार, क्योंकि ना बहुत ज्यादा मैं अपने घर वालों से नहीं मिलता। अब थोड़े दिन पहले ही मैंने मिलना स्टार्ट करा है मम्मी पापा से, मैं मिलता नहीं हूँ, मैं घर नहीं जाता कि मेरे को डर लगता है किसी से भी रिश्ता छोटे में। अगर किसी से बात कर रहा होता हूँ ना तो मैं इग्नोर करना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि बहुत डर सा लगता है कि और कुछ गलत ना हो जाए मेरे घर वालों के साथ या कुछ भी, क्योंकि मैं इस वक्त माइंड मेरा सेट बिल्कुल नहीं है। हाँ चैनल उन्होंने बनाया नहीं हूँ सपोर्ट करना, और ये वाला चैनल भाई अभी भी उनका ही है, ऐसी बात नहीं है। मैं तभी ये पीआर कबल चेंज नहीं कर रहा था, मतलब कभी कभी हिम्मत नहीं हुई, बट ये टोटो का इसकी क्यों हो रहा है। बट इनके बाद में किसी से भी दिल लगाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि मेरे लिए मेरी लक्ष्मी जी है, मेरे लिए वो भगवान। सुबह उठता था ना सबसे पहले फोन सबसे पहले देखता था उनको, बहुत खुश थी मेरे लिए और अभी भी है। वापस आना नहीं आना पता नहीं, अब मैं आऊंगा वो चाहे तो बुलाना मुश्किल है उनको। मैंने वीडियो बनाई नहीं थी बट बहुत सारे मैसेजेस आ रहे थे कि ब्रो भैया ये क्या है, बहुत सारे आ रहे थे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा। मतलब फैमिली है तो फिर ठीक है, क्योंकि मैंने डिसाइड, हम दोनों ने डिसाइड किया था कि नहीं बताना यार, पता नहीं क्यों ब्रोकअप कर डाला होगा, मुझे नहीं समझ आ रहा, नहीं चाहता था बताना, बिकॉज मैं चाहता था कि शायद सब मेरे साथ ठीक हो जाए, टाइम लेके देखते, बट जो अगर जिसमें खुशी उनकी आए कि नहीं। हाँ बस ये चीज बोलूंगा कि जो पहले था लविंग वाला वो नहीं रहा ना, वो शायद कभी बन पाएगा, गैरिंग है क्योंकि वो मेरे अंदर नेचर है, करूंगा सबकी, बट लव वाला सिस्टम नहीं रहा, डर लगता है। अभी मैंने पूरा पूरी अपनी जिंदगी देख ली थी उनके साथ, पता नहीं क्यों मेरे पास ना क्वेश्चन है ना आंसर इस वक्त। मैं बहुत ज्यादा अकेले हूँ इस वक्त, बहुत ज्यादा। मैं अभी सबके साथ रह के भी पता नहीं क्यों मुझे अकेलापन महसूस होता है। प्लीज
मैं नहीं बोलूंगा कि मुझे प्यार नहीं उनसे, मुझे प्यार है, बहुत है, अभी भी है। मेरे पास रिवर्स का बटन होता ना, क्योंकि उन्होंने वीडियो में कहा कि बहुत टाइम से चल रहा है ये चीज, अगर वो मुझे प्लीज पहले बता देते तो, अगर मेरे रिवर्स का बटन होता ना तो मैं बताते तो क्या है, मुझे समझ नहीं आया क्या था, नहीं बताया वो उन्होंने मुझे, अगर बताते तो रिवर्स का बटन होता तो मैं, अगर मेरे पास रिवर्स का बटन होता ना तो मैं कोशिश करता सब कुछ ठीक करने की, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ही नहीं है यार, कुछ भी बोले मैं समझ नहीं आ रहा क्या ब्लैंक हूँ। तो सपोर्ट करना ओके दोनों को, व्लॉग्स आएंगे उनके चैनल पे ओके, तो ना ये वाला चैनल अभी भी उनका ही है, ऐसी बात नहीं है, नहीं है इंस्टाग्राम में तो आप देख ही रहो, मैं वीडियो में तो डेडिकेट करता रहता हूँ उनको। हाँ अगर ठीक हो सकता है ना सब कुछ, अगर वो वीडियो देख रहे हैं तो मैं ये बोलूँगा उनको कि अगर ठीक हो सकता है, बट यार वो ब्रोकअप वाला डालना नहीं चाहिए था, वो इन्हें डाल दिया, उनकी लाइफ है जो उनको सही लगे उस पर एग्री हम, कभी भाट डाली तो है नहीं उनकी, बट जो उनको सही लगे। बट अब एक चीज़ डर है मेरा कि मैं किसी से भी दिल लगाने से पहले सोचूंगा कि मैं लगाऊं या ना लगाऊं, वैसे तो लगेगा नहीं बट बहुत टाइम सोचना पड़ेगा, लगाना मुश्किल है किसी से भी दिल। मैं अपने मॉम डैड से भी नहीं बात करता, मैं उनसे भी दूर हूँ, सबसे दूर हूँ मैं इस वक्त, क्योंकि बोलते थे तो मैं देते था, बट पास होके भी दूर हूँ मैं, 20 दिन हो गए मैं घर तक नहीं गया, बट मैं खुश हूँ, वो अकेले का ना अच्छा लगता है यार। एक चीज़ बोलूँगा कि सपोर्ट करना गाइस, ये वाला चैनल आपका है, आप लोगों के प्यार से बना था ओके रहेगा, बहुत लोग कह रहे थे कि आप भी बता दो क्या बात है, पर्सनल है नहीं बता सकता, वो बताएंगे तो फिर देख लेंगे, बट मेरे मुँह से नहीं निकलेगी कोई, मेरे तो वैसे को बात ही नहीं कर सकते बोलो तो, मैं तो पता ही नहीं भाई है, मतलब क्या था ना, मैं लाइफ मेरी ऐसे चलती थी उनके साथ और उल्टी हो गई फूटी की फूटी, पागल हो गया सीरियसली इस वक्त, इस वक्त क्या बात, उस दिन से पागल हूँ, मतलब भाई यार मेरे से ज़्यादा बोला नहीं जाएगा, बट अगर उन्होंने डाल दिया है तो ठीक है फिर, हाँ गए ब्रोकअप हो चुका है उनकी तरफ से, मेरी तरफ से तो होप थी कि ब्रोकअप वाला नहीं डालेंगे वो डायरेक्ट ब्लॉग डालेंगे इंटरेस्टिंग, बट उन्होंने डाल दिया, मैं तो बोला था कि अब नहीं डालेंगे क्योंकि मेरे अंदर होप थी अभी भी कि हम मिलेंगे कहीं ना कहीं और सब कुछ ठीक होगा, बट शायद कुछ आप ही नहीं, कोई ना सपोर्ट करना गाइस दोनों को ओके, और एक चीज़ एक एडवाइस हुआ जिंदगी में मैंने सीख ली बहुत मुश्किल से सीख ली, टूट के फिर मैंने एक इंसान को इतना प्यार किया बहुत किया, अब उसके बिना सड़ना मुझे पता है हाफ टू बी, सो नेवर एवर
लड़का वो अगर लड़का किसी लड़की को प्यार कर रहा है, लड़की इस लड़के को प्यार कर रही है ना, कभी भी इतना मत करना कि अगर कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग है कोई भी बात से, छोटी छोटी बात या छोटी सी बात से भी जो ठीक हो सकती है उससे इतना बड़ा डिसीजन लेना देना, टूट जाता है बंदा बहुत बुरी तरह, क्योंकि जो उसने सोचा भी ना हो ना, अगर वो हो ना तो मरने वाली आदत हो जाती है बहुत ज्यादा। मैं यही चीज बोलूंगा, आई प्रे नॉट फॉर माई सेल्फ, हमेशा मुझे करता था कि वो जहां भी रहे प्रे फॉर हर, कि वो जहां भी रहे हमेशा खुश रहे, ओके, और हमेशा खुश रहे, और उनकी शुगर हो सके तो जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, और उनको हमेशा खुश रखो हमेशा। देखते हैं बाकी करना क्या है, लाइक वो नहीं समझ आ रहा कुछ भी, बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, सब आए हैं, कोशिश करूंगा जल्दी जल्दी स्टेबल होऊं, क्योंकि थोड़ा सा हुआ था बट अब फिर से वही चीज देख के आई वॉज खत्म, मन करता है कि मरी जाऊँ सीरियसली इस वक्त, बट वही फिर मम्मी पापा बुआ बहन भाई कॉल्स आ जाते तो रुक जाता हूँ। अगर इस समय फैमिली में मैं अकेला होता ना, इस समय अकेला होता तो सीरियसली आई कॉन्ट सर्वाइव लाउड सीरियसली, सो सपोर्ट करना दोनों को, एंड टेक केयर, बस यही बताना था कि अभी भी मेरे को लगता नहीं कि कुछ खत्म हुआ है, मेरे मुंह से नहीं निकलता कि खत्म हुआ है, सो चल को फिर बाय गाइस, पीस आउट।